तो दोस्तों कंपनी का नाम है एरन इंडस्ट्रीज़ है और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, एलिवेटर्स और स्टील पॉलिशिंग इस चीज़ से ये रिलेटेड है, एलिवेटर्स बनाती है कंपनी। अगर हम इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो ये एक नैनो कैप कंपनी है, 287 अभी इसका 287 करोड़ इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम इस कंपनी की बात करें सेल्स की, तो सेल्स बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल्स अभी तक बढ़िया नज़र आ रहे हैं। अगर हम 2016 से लेकर अभी तक के इसके फंडामेंटल देखें तो जो सेल्स 2016 में 3 करोड़ थी वो बढ़ के फिर 4 करोड़ हुई, फिर 11, फिर 17, फिर 21, फिर 24, फिर 37, फिर 55, फिर 59। तो हर साल कंपनी ग्रो करती जा रही है, जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है उस हिसाब से ही आने वाले टाइम पे भी एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। और चाहे बेशक कोरोना टाइम हो, उस टाइम पे भी कंपनी की सेल्स में कोई डाउनफॉल नहीं दिखा हमें। और अगर हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हर साल बढ़ता जा रहा है, 4 लाख, 5 लाख, फिर 93 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। तो ये कंपनी बढ़िया नेट प्रॉफिट शो कर रही है, अभी 6.5 करोड़ तक इसका नेट प्रॉफिट पहुँच चुका है। और अगर हम कंपनी की रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स भी सही हिसाब से बढ़ रहे हैं, 0.05 करोड़ थे, इससे बढ़ करके अभी के टाइम पे लगभग 10.5 करोड़ तक रिजर्व पहुंच चुके हैं। हाँ, बोरोइंग्स थोड़ी सी है कंपनी पर, छोटी कंपनियों में आपको अक्सर बोरोइंग्स देखने को मिलेंगी क्योंकि इनको थोड़ा स्ट्रगल करना होता है, तो उसके लिए फ़ंड चाहिए होते हैं, तो फंड के लिए कई बार बोरोइंग्स लेनी पड़ती है। तो अभी इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है, अभी 11.5 करोड़ की बोरोइंग्स हैं, तो आप इस कंपनी पर तो फर्दर स्टडी करके अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखें तो दोस्तों, अगर हम आज की बात करें तो आज के दिन 5% का अपर सर्किट लगा इस कंपनी में, और 5 दिन की अगर हम बात करें तो 15% के रिटर्न दिए कंपनी ने, और 1 महीने में 22.5%, और 6 महीने में 37% के रिटर्न, और 1 साल में पैसे डबल कर दिए अपने शेयर होल्डर्स के, सिर्फ 2 टाइम्स 1 साल के अंदर। और 5 साल की बात करें तो 774% के रिटर्न, यानी कि 8 टाइम्स 8 गुना पैसे हो चुके हैं सिर्फ 3 साल के अंदर, 2020 से लेकर अभी तक के 2023 तक, 3 साल अभी पूरे नहीं हुए, तो 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के 8 गुना पैसे कर दिए। तो ये आगे जाके भी ऐसे ही रिटर्न दे सकती है कंपनी जिस हिसाब से ग्रो करे, तो आप अपने हिसाब से फर्दर स्टडी करके तभी इन्वेस्ट कीजिए।